एक मिस्टीरियस लाइन जो इंडोनेशिया को दो हिस्सों में बांटती है, जो असल में है भी और नहीं भी, जिसे देखा नहीं जा सकता फिर भी वो मौजूद है, जिसने इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स को सेपरेट करके रखा हुआ है। ये लाइन बाली और लोम्बोक आइलैंड के बीच है, जो मोले आइलैंड के एंड तक जाती है। इन दोनों के बीच लगभग 35 किलोमीटर की एक सीमा है, जो समुद्र, आकाश और धरती पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करती है। इस लाइन की वेस्टर्न साइड में रहने वाले जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश हैं, वो ईस्टर्न साइड के एनिमल से बिल्कुल अलग है। इस लाइन को ना तो आकाश में उड़ता कोई भी पक्षी क्रॉस करता है और ना ही समुद्र में रहने वाली मछलियाँ। ये दोनों ही आइलैंड अपने आप में दो अलग दुनिया है, जिसे किसी मिस्टीरियस पावर ने डिवाइड किया हुआ है। इंसान इस लाइन को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, यहाँ तक कि सैटेलाइट और रेडार की मदद से भी इस लाइन को देखा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ रहने वाले जानवरों को ये लाइन महसूस होती है। यही वजह है कि इस बॉर्डर लाइन को इंसानों के अलावा कोई और जीव पार नहीं करता। इस लाइन को कहते हैं वोलेस लाइन, और इसे आज से लगभग 165 साल पहले अल्फ्रेड रसेल वोलेस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने 1859 में डिस्कवर की थी। वोलेस को ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट की वजह से वोलेस 1854 में अपने कुछ एक्सप्लोरर साथियों के साथ इंडोनेशियन आइलैंड के सफर पर निकले। उनके एक्सपेडिशन का पहला स्टॉप था सिंगापुर, जहां से उनका सफर चलता रहा। फिर आखिर में वो एक्सप्लोर करते हुए बाली आइलैंड पहुंचे। वोलेस को बाली और उसकी वाइल्ड लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तब उन्होंने वहां अपना सर्वे शुरू किया। वोलेस ने वहां के प्लांट्स और एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। उसे वहां बहुत से राइनो, एलिफेंट्स, टाइगर और बहुत से बर्ड्स जैसे पेकिंग बर्ड्स और वुडपेकर मिले। कुछ महीनों तक बाली की वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व करने के बाद वोलेस बाली से 35 किलोमीटर दूर लोम्बोक आइलैंड एक्सप्लोर करने चले गए। यहां पर पहुंचने के बाद वो बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर थी, लेकिन इन पर पाए जाने वाले जानवर बाली से बिल्कुल ही अलग थे। लोम्बोक आइलैंड पर बाली में पाए जाने वाले जानवरों का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर कंगारू, कोआला, कमोडो ड्रैगन, प्लेटिपस और बिल्कुल डिफरेंट बर्ड्स की स्पीसीज दिखाई दिए। जमीन पर रहने वाले जानवरों का अलग होना लॉजिकल था, क्योंकि बाली और लोम्बोक दोनों जगह आइलैंड है, पर बर्ड्स की स्पीसीज में भी डिफरेंस होने के पीछे उनके पास कोई जवाब नहीं था। वोलेस और उनके साथी इस बात पर बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसी बीच वोलेस को मलेरिया हो गया, इसी कारण से उनके पास इस इनविजिबल लाइन के बारे में सोचने के लिए काफी वक्त था। तभी उनके दिमाग में एक थ्योरी क्लिक की, जो वोलेस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। बाली आइलैंड पर वो सभी जानवर थे जो एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, जबकि लोम्बोक आइलैंड पर वो जानवर और बर्ड्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। वोलेस के अनुसार इस बायोजोग्राफिकल लाइन के फाउंडेशन का कारण है पृथ्वी का ज्योग्राफिकल एवोल्यूशन। आज से करीब 360 मिलियन साल पहले बाली एशिया से कनेक्टेड था और लोम्बोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए एशिया के एनिमल्स बाली में और लोम्बोक के एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आइस एज खत्म होता गया, बर्फ पिघलती रही और समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता गया, और इन दोनों आइलैंड के लो लाइन एरिया के बीच पानी बढ़ता गया, और ये जानवर उसी आइलैंड पर फंसे रह गए। क्योंकि बीच में समुद्र था, तो बड़े जानवर जो जमीन पर रहते हैं उनके लिए इस लाइन को पार करना इम्पॉसिबल था। साथ ही वोलेस ने यह नोटिस किया कि इन दोनों आइलैंड पर रहने वाले बर्ड्स नॉन माइग्रेटरी हैं। असल में बर्ड्स की दो टाइप होती हैं, एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, और नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स लंबी उड़ान नहीं उड़ सकते और खाने की खोज में सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। और इन दोनों आइलैंड के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है, जो इनके लिए तय करना लगभग इम्पॉसिबल है, और बाकी रह जाते हैं समुद्री जानवर। वोलेस के अनुसार इस रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग डीप सी करंट जनरेट होते हैं। आज से करीब 335 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट एक हुआ करते थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से आगे के कई करोड़ों सालों में यह पूरा कॉन्टिनेंट टूटकर अलग हो गया। इसकी वजह से ही मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर का रीजन एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण बना था। इसी कारण से इन दोनों आइलैंड के बीच डीप वाटर करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी फिश के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल है। इसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये समुद्री जानवरों को एक से दूसरी तरफ जाने से रोकता है। जमीन पर रहने वाले जानवरों के अलग होने का कारण था इन दोनों आइलैंड का दो अलग कॉन्टिनेंट का हिस्सा होना और बीच में समुद्र का होना। बर्ड्स के अलग होने का कारण था उनका नॉन माइग्रेटरी होना, और समुद्री जानवरों के अलग होने का कारण था डीप सी करंट।
वॉलेस का ये एक्सप्लेनेशन काफी लॉजिकल था, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होने के कारण उनके वॉलेस लाइन को साइंटिफिक कम्युनिटी ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी ये सभी बातें सच साबित हो गई जब वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेट्स का मॉडल बताया। तब ये साफ हो गया कि बॉली और लम्बोक आइस एज के बाद ही अलग हुए थे और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही डीप वाटर करंट पैदा होता है। जब समुद्र का पानी प्लेट्स के अंदर से लावा तक पहुंचता है तब पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर आता है तो वह सतह से लावा के बाहर निकलने की जगह बनाता है। इसी वजह से समुद्री जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाते। वॉलेस द्वारा लगभग 160 साल पहले बताया गया एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था, जिसे उनकी मौत के बाद माना गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।